काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले ना हमको तीन लॉज देखने हैं कि गैसेस में तीन लॉज हमको देखने हैं। पहला है बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ है और एक है गेलुस लॉ। हाँ। तो जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट P is pressure is inversely proportional to volume. If temperature is constant, pressure is inversely proportional to volume. तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि P is equal to K upon V. भाई proportionality sign हटाकर equality sign लगाते हैं हम, तो एक constant आ जाता है। तो ये आ गया PV is equal to constant बोल दो या K बोल दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ है। अब इसी तरीके से दूसरा आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में क्या है कि इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट volume is directly proportional to temperature. ठीक है, इसको ये कहा जा सकता है कि V upon T is equal to constant. ये चार्ल्स लॉ है। फिर तीसरा है गेलुसाक लॉ। गेलुसाक लॉ में ये है, इफ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर or P upon D is equal to constant. ये तीन लॉज आपको याद रखने हैं। जिसके बाद प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, उसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन आपको अगली क्लास में कराऊंगा, आज नहीं करा रहा। और एक परफेक्ट गैस इक्वेशन है, तो दो चीज सीधे सीधे याद रख लीजिए बस। जैसे परफेक्ट गैस इक्वेशन है, परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू NRT। एक चीज तो ये PV इज इक्वल टू NRT, दूसरा प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ गैस P is equal to 1 upon 3 rho V square. Rho यहाँ पर होता है डेंसिटी, गैस की डेंसिटी, और V होता है उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर बार भी है क्या? हाँ, V के ऊपर बार हम तब ले लेते हैं जब आपको ये कहा जाए कि भाई आपको एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। आप v स्क्वायर का बार भी कर सकते हो, मतलब सारे कंपोनेंट्स की उसका जो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन PV is equal to nRT और प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस 1 upon 3 rho v स्क्वायर के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है कि x की डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट हो सकते हैं, y की डायरेक्शन में अलग, z की डायरेक्शन में अलग। तो सबका एवरेज निकाल लिया गया, सबके स्क्वायर्ड वैल्यूज का एवरेज निकाल लिया गया, वो चीज़ें हैं। अच्छा, एग्जर्टेड बाय अ गैस में
अच्छा, इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन अगली क्लास में करवाऊंगा। इसका डेरिवेशन नहीं है, या मान लीजिए कि हाँ थोड़ा सा इसका छोटा सा एक डेरिवेशन भी है, वो भी आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अगला करवाता हूँ मैं। अगला टॉपिक नोट करिएगा आप, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसमें देखिएगा यहां पर देखिएगा, कंसिडर वन मोल ऑफ अ गैस, कंसिडर वन मोल ऑफ अ गैस फुल स्टॉप, लेट पी वी टी एंड एम पी वी टी एंड Let P, V, T and M be the pressure, volume, temperature and molecular mass of the gas respectively, and molecular mass of the gas molecular mass of the gas respectively full stop, density को ले लेंगे, rho is equal to मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम ये डेंसिटी होती है। उसके बाद हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी प्रेशर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी प्रेशर According to kinetic theory, pressure exerted by a gas is, according to kinetic theory, pressure exerted by a gas is P is equal to 1 upon 3 half rho V square bar, ये वाला relation ये यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, is equal to 1 upon 3 rho, अब रो की जगह आप लिखेंगे एम अपॉन बी, रो की जगह लिखेंगे एम अपॉन बी, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल बी और स्मॉल बी स्क्वायर का बार, और पी वी इज इक्वल टू पी इधर लिख लो, वी को इधर ले आओ, और पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर का बार, और PV is equal to 2/3 into 1/2 लिखा जा सकता है ऐसे भाई, ये जो 1/3 है इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2/3 into 1/2 हाफ mv स्क्वायर का बार, बट हाफ mv स्क्वायर बार, बट हाफ एम वी स्क्वायर बार इज द एवरेज, इज द
एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर वो हाफ एम वी कैसे होगा? एम वी स्क्वायर टू टू बाई थ्री डॉट हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये 1/3 है ना, तो इस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ओके ओके। बट हाफ एम वी स्क्वायर बार इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में उसको हम ई लिख रहे हैं, ऑफ वन मोल ऑफ द गैस। सो पी वी इज इक्वल टू 2/3 ई, पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। तो ये 1 मोल का काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस के 1 मोल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर वैसे भी हम जानते हैं, ठीक है। ऑल्सो फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, आइडियल गैस इक्वेशन सजेस्ट ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। देखिएगा कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड 2/3 ई इज इक्वल टू आर टी। और ई इज इक्वल टू equal to 3/2 RT, E is equal to 3/2 RT, यहाँ लिखें। The above equation gives the mean kinetic energy of 1 mole of the gas. Gives the mean kinetic energy of 1 mole of the gas. ठीक है। If n is the Avogadro's number, then E bar is equal to E upon N. E bar is equal to E upon N. तो क्या है ना कि यहाँ पर above equation gives mean kinetic energy of 1 mole of the gas. अच्छा, 1 mole में कितने molecules होते हैं या 1 mole में कितने atoms होते हैं? 6.022 × 10³³. तो वो कह रहे हैं कि फिर एक atom में बता दो ना कितना है। तो एक एटम में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये टोटल एनर्जी थी 1 मोल की, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 × 10³³ एटम्स के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पर मॉलिक्यूल कितना होगा, उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो ये ई अपॉन एन हो गया। देयरफॉर E bar is equal to E upon N. So E bar is equal to 3/2 RT upon N. 3/2 RT upon N.
अब एक तरह से ये क्या हो गया, 3RT अपॉन 2, डिनोमिनेटर में केवल n है तो उसको n अपॉन 1 कर दो, ये हो गया 3RT अपॉन 2। तो हम जानते हैं सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये हो गया 3RT इंटू 1, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ये हो गया 2n। तो e बार इज इक्वल टू 3/2 और r/n इंटू टी, और ये जो r/n है ये होता है बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के भी, ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, ये एवोगैड्रो नंबर है। अगर गैस कॉन्स्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो एक नया कॉन्स्टेंट आता है जिसको के भी बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, वेयर KB is Boltzmann constant and KB is equal to r/NA, NA मतलब Avogadro number होता है, यहाँ पर मैंने NA ना लिखकर उसको NA ले लिया है, ठीक है? सर इसकी कोई value होती है? Boltzmann constant की, Boltzmann constant की standard value होती है, देखने पड़ेगी भाई मुझे भी याद नहीं हुई। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.38 × 10⁻², ठीक है, 1.38 × 10⁻², मैं लिखवा दूंगा इसको। अच्छा, इसके बाद देखिएगा दस द मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल per molecule is proportional to the absolute temperature T of the gas. Is proportional to the absolute temperature T of the gas. मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टॉपिक क्या है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक का मतलब ही क्या है कि व्हेनेवर समथिंग इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तभी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो ये जो एनर्जी निकली है ये काइनेटिक एनर्जी ही निकल रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर यानी कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन है, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सप्लेन द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, या तो ये, या इसके अलावा क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको, लिखाऊंगा क्वेश्चन। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया और आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इसको आपको एक्सप्लेन करना है उसमें, तो इसलिए मैं क्वेश्चन अभी नोट करवाऊंगा इसको। यहाँ पर ये मिटा रहा हूं, देखिए जी एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास कि ईमान इस तरह से निकल गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर का बार, ये E होता है ये हमको मालूम ही है, हाफ एमवी स्क्वायर का बार कैपिटल N, ये E होता ही है। और दूसरा हमने E की वैल्यू निकाली 3/2 RT, 3/2 RT। तो यहां से V स्क्वायर का भाग अगर सिर्फ ये निकालना हो, देखिए 2 से तो 2 कट गया, थ्री आर टी अपॉन एम,
स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर का बार इज द स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर का बार इज नोन एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. And is given by V Rx V square ka bar aur iska under root is equal to 3 RT upon M. इसका अंडर रूट इट इंप्लाइज दैट ठीक है जी ये होता है. अब रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, वो ऑफ नहीं लिखा जाता बीच में. तो स्क्वायर सबसे पहले तो स्क्वायर करा, फिर स्क्वायर का मीन निकाला. तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं ऊपर, ठीक है. तो ये स्क्वायर निकाला पहले वेलोसिटी का, फिर उसका मीन करा और फिर उसका रूट कर दिया. तो इसलिए ये क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या था, ये मीन स्क्वायर वैल्यू थी, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक. और उसका आपने रूट और निकाल दिया, अंडर रूट और ले लिया, तो वो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई वेलोसिटी, ठीक है. अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो देखिएगा. इसका क्वेश्चन मतलब आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछा जाएगा. जैसे मान लीजिए मैं इससे पहले एक टॉपिक लिखवाया था परफेक्ट गैस इक्वेशन, तो पूछ लेंगे कि भाई परफेक्ट गैस इक्वेशन आप एक्सप्लेन करिए, व्हाट इज परफेक्ट गैस इक्वेशन. दूसरा प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ गैस, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, ये पूछा जा सकता है. लेकिन इसमें ये पूछेंगे या तो ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, या फिर जो ये आपने करा है ना यहाँ पर प्रूफ कि ये जो एनर्जी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है. ये क्वेश्चन बनेगा शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखिएगा, शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस. Is directly proportional to the temperature of the gas. Directly proportional to the temperature of the gas. Full stop. Hence show that. RMS value of velocity of gas molecules is directly proportional to square root of temperature. ठीक है, तो वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ना बोलकर वो ये बात को ये स्टेटमेंट पे लिख कर दे देंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन वाला प्रूफ मेरे को करके यहाँ पर दिखाना है. हाँ जी, इसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है. इस वाले चैप्टर में से काफ़ी सारी चीज़ें ना हटाई गई हैं, जैसे गैस लॉज जो थे आपके, चार्ल्स लॉ और आपका गेरुसाक लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सबकी डेफिनेशन हटा दी. हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. इसके बाद सीधा एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, ये भी है, ठीक है ना. चलिए एक मिनट रुक जाइए, बस अभी आ रहा हूँ.
ये एवरेज वाली वैल्यू करा रहा हूँ ना, ये तो टाइम है, पाँच मिनट बचे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, चले जाओ कोई नहीं। हाँ कल तो बेस्ट होगे ना, तुम जैसे तुम समझ लो वो बता देना, व्हाट्सएप कर देना जैसा कि सर वो समझ ही लूँगा। टेस्ट वो क्यों मैं सोचता हूँ वो इतना तो इतनी बार तो आ चुका है तो उससे कितने ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक ठीक है बता देना जैसा कि तो आप मुझे समझा ही दो। हाँ समझा दो आप मुझे ना प्लेन कर। हाँ थैंक यू सर। एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स। It is defined as the arithmetic mean of the speeds of the molecules of a gas at a given temperature. ठीक है इफ वी वन वी टू वी थ्री टिल वी एन आर द स्पीड्स ऑफ एन गैस मॉलिक्यूल्स then the average speed v bar is given by then the average speed v bar is given by then average speed v bar is given by v bar is equal to एवरेज स्पीड वही है जैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री टिल वी एन अपॉन एन। ये तो एवरेज स्पीड होगी। इसके बाद अगला लिखेंगे इसमें अंडर रूट लगा देंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। और अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करी जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में क्या करते हैं, इसका एक रिलेशन और है, वो रिलेशन लिखेंगे हम पहले। जैसे वी बार है ना, एक तो ये हो ही गया
इसके अलावा वी बार को ये लिखा जा सकता है, अंडर रूट 8 KBT इसका प्रूफ करना नहीं है बस, अंडर रूट 8 KBT अपॉन पाई एम, ये तो हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म्स में, और दूसरा 8 RT अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई एम, यहां पर है कैपिटल एम, बस अंतर इतना है कि m क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, और कैपिटल m इज फॉर मॉलिक्यूलर मास, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ जो भी हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गैस की, और कैपिटल m इज मॉलिक्यूलर मास। ये तो पी बार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये जो वी बार है, वी बार तो सीधे सीधे है, लेकिन रूट मीन स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, कि सारे के सारे स्क्वायर्स का पहले मीन निकालना पड़ेगा। ये तो सिर्फ वेलोसिटीज का मीन निकाला, फिर स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वो रूट मीन स्क्वायर होता है, ठीक है। नोट करेंगे एवरेज स्पीड के बाद में, अगला लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड It is defined as the square root of the mean of the squares of the speeds of individual molecules of a gas, individual molecules of a gas. स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर, ऐसे ही करते करते वी एन का स्क्वायर अपॉन एन, तो ये तो मीन निकल गया सारी स्क्वायर वेलोसिटीज का, और फिर उसका अंडर रूट ले लिया, एक तो ये है, और दूसरा इस तरह से फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, ये मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, वो है नहीं हमारे सिलेबस में, करना नहीं है, सिर्फ उसका फॉर्मूला करना है बस। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 KBT अपॉन एन, 3 KBT अपॉन स्मॉल एन अंडर रूट, या फिर 3 RT अपॉन कैपिटल एम, या फिर ये आर एम एस की ये दो फॉर्मूले, ठीक है। इसी तरह से एक लिखे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड Most probable speed लिखिएगा, it is defined as the speed possessed by the maximum number of molecules.
possessed by the maximum number of molecules. Speed possessed by the maximum number of molecules in a gas sample at a given temperature. In a gas sample at a given temperature, कि ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कितनी है, वो हो गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो लिखें Vmp is equal to under root 2 kVt upon mR. 2 kVt upon mR. या फिर 2RT upon capital M. 2RT upon capital M. ठीक है, तो बस इतना कर दीजिए।